बोकारो में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। बोकारो में देर रात को हुए सड़क हादसे के दौरान एक बाइक सवार युवक ने उस समय एक सिपाही को ठोकर मारी जब वह चौक पर सुरक्षा को लेकर तैयार थे। उकरीद मोड़ के पास रामनवमी की सुरक्षा को लेकर चेक पोस्ट लगाई गई थी, जहां तेज गति से बाइक सवार जिसमें 3 लोडिंग सवार थे जाकर सीधे चेक पोस्ट से टकराते हुए ट्रैफिक पुलिस के जवान को धक्का मार दिया। बाइक सवार तीनों दूर जाकर गिरे, जिसमें से एक की मौत हो गई। बोकारो सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई तथा एक घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही सिपाही और अन्य युवक का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तेज गति से बाइक सवार आकर ठोकर मारा, जिसके बाद वह अफरा तफरी मच गई। सभी घायल पड़े हुए थे, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। हम लोगों ने देखा तो टेम्पो से सभी घायलों को लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई। फिर हम लोग तब वहीं रुके तो वहां देख रहे एक्सीडेंट हो गया, तो उनको पहचाने तो हम लोग कह दिया कहाँ गए, तो हम लोग लेके आए बाइक से धक्का गया। तो उस सब के बारे में हमको नहीं पता है, हम लोग खुद लेट से पहुँचे वहाँ पर, वहाँ पड़ा हुआ था। हाँ पड़ा, कोई उठा नहीं रहा था, तो हम लोग उठा के ले गए, ऑटो मिला है। पुलिसकर्मी नहीं, ये लड़का जो है उनका नाम है टुनटुन माथुर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित ओझा।